हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा कुकिंग क्लासेस। आज हम बना रहे हैं जीरा राइस। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसे आप कोई भी करी या फिर मिक्स दाल के साथ सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ मैंने 400 ग्राम बासमती राइस लिया है। राइस को अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। पानी जो है वो गर्म हो रहा है। याद रखें, चावल जितना आपने लिया है उससे 3 गुना ज्यादा पानी लेना है, इससे चावल जो है वो खिला खिला रहेगा। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने चावल के अनुसार लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। इससे चावल जो है वो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। अब इसमें हम भिगोया हुआ जो चावल है वो ऐड कर देंगे। चावल को हमें 100% ही पकाना है। जैसे कि बिरयानी बनाते वक्त हम चावल को 80% पकाते हैं, लेकिन जीरा राइस, फ्राइड राइस बनाते वक्त आपको चावल को 100% ही पकाना होता है। अब इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। बीच बीच में आपको चावल को चेक करना है कि चावल जो है वो पका है कि नहीं। देखिए, चावल जो है वो हमारा पक चुका है। देखिए, अब इसका जो पानी है वो हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। अब हम राइस को ठंडा पानी से धो लेंगे। इससे चावल जो है वो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं और राइस जो है वो परफेक्ट खिला खिला सा बनेगा। अब इसे हम 15 मिनट के लिए पैन के नीचे रख देंगे सूखने के लिए। 15 मिनट बाद अब हम राइस को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 3 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस का फ्लेम लो रहेगा। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच जीरा। यहाँ मैंने चावल के अनुसार ही जीरा का क्वांटिटी लिया है। जीरा को हल्का ब्राउन करना है। याद रखिए, जीरा को जलाना नहीं है, बस तब तक फ्राई करें जब तक ना इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाए। देखिए, जीरा जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ राइस। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रहेगा। अब इसे हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि घी के साथ चावल अच्छे से भुन जाए। चावल भुन जाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक का क्वांटिटी ध्यान से डालिए, क्योंकि बॉईल करते वक्त चावल में हमने नमक डाला था। अब इसको हम करीब 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से भुनेंगे। चावल हमारा अच्छे से भुन चुका है। चलिए इसे प्लेट में सर्व करते हैं। तो जीरा राइस रेडी है। इसे आप घर में एक बार जरूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।